फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबसे बिरयानी मसाला की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून कोरिएंडर सीड, 2 टीस्पून क्यूमिन सीड, 5 सूखी लाल मिर्च, 1 टीस्पून क्लोव्स, 2 लौंग पेपर, पिपली लिया है, 2 स्मॉल स्टिक दालचीनी, 8 से 10 हरी इलायची, 2 जावित्री, 2 चक्री फूल, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 2 बे लीव्स, 2 स्मॉल स्टोन फ्लावर और 2 ब्लैक कार्डेमन लिया है मैंने। 1 टीस्पून अनारदाना पाउडर लिया है मैंने और 1/2 टीस्पून नटमेग पाउडर। अगर आपके पास होल नटमेग हो तो 1/4 लें। 1.5 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है और कुछ खड़े मसाले भी लिए हैं जिसका पाउडर नहीं बनाना है। 10 ब्लैक पेपर कॉर्न, 8 हरी इलायची और 8 लौंग। 1 टीस्पून मैंने सौंफ लिया है। पहले धनिया और जीरा को 1/2 मिनट तक ड्राई रोस्ट करेंगे, बिल्कुल हल्की खुशबू आने तक। मेरा धनिया जीरा रोस्ट हो गया है। अब मैं इसको निकाल लूंगी। अब सौंफ और बाकी के सारे मसाले भी रोस्ट कर लूंगी। 1/2 मिनट तक रोस्ट करना है। मसाले से हल्की खुशबू आने लगी है। 1/2 मिनट के बाद मैं नटमेग पाउडर और अनारदाना पाउडर डाल दूंगी। गैस को स्विच ऑफ कर दूंगी। थोड़ा सा हिला के फिर मैं इसको निकाल लूंगी। सारे मसाले को ठंडा करके मैंने जार में शिफ्ट कर लिया है। इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दूंगी और पाउडर बना लूंगी। मैंने जो खड़े मसाले अलग से लिए थे इसको नहीं पीसना है, इसको साबुत ही ऐड करना है। पाउडर मैंने बना लिया है। अब इसमें नमक ऐड कर दूंगी। ये मसाले की रेसिपी 1 किलो चिकन, 1 किलो मटन और 1 किलो राइस से बनने वाली बिरयानी के लिए है। मैंने पाउडर तैयार कर लिया है। अब सारे होल मसाले जो मैंने साइड में रखे थे वो ऐड करके मिक्स कर लूंगी। मेरा बिरयानी मसाला रेडी हो गया।